अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम सुमन एंड आप देख रहे हैं माय रिएक्शंस। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मैं अभी डेमी डेमी हूँ, बिल्कुल ठीक ठाक। बस मुझे ना थोड़ी सी खांसी लगी हुई है, उसकी वजह से मुझे बस थोड़ा सा ना गले में प्रॉब्लम हो रही है। वैसे मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, मूड भी ठीक है। और आज हम जो वीडियो देखने वाले हैं वो है रिक्वेस्टेड वीडियो, और नेपाल से मुझे आई थी रिक्वेस्ट कि आप ये वीडियो देखें। तो बेसिकली ये वीडियो है नेपाल एयरलाइंस वर्सेस भूटान एयरलाइंस कंपैरिजन। सो लेट्स सी। पहले मैंने ना इंडिया और नेपाल की एयरलाइंस का कंपैरिजन देखा था, तो आज हम देखेंगे नेपाल और भूटान का। तो भूटान का मुझे कोई अंदाजा नहीं है कि वहां की एयरलाइंस कैसी हैं, कैसे काम करती हैं, ब्ला ब्ला। तो लेट्स सी कि कैसा है ये कंपैरिजन, आप भी देखिए मेरे साथ। लेट्स गो। इनके चैनल का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, चाहे इनके चैनल पे उनका चैनल भी सब्सक्राइब करें। कंपैरिजन, लेट्स स्टार्ट। त्रिभुवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट, पारो की एयरलाइन अगर भूटान की डेस्टिनेशन क्या है, वैसे मुझे सही से समझ नहीं आ रही है। नेपाल की एयरलाइन का इंसिडेंट्स है, एक्सीडेंट्स। ओके, 15 एक्सीडेंट हो चुके हैं, इंसिडेंट्स और एक्सीडेंट्स। ओके ओके, भूटान के लिए ओके, ठीक है, यूं हो रहा है, समझ आ गया। भूटान की 4/5 हो गया, ठीक है। सीट कंफर्ट भी भूटान की एयरलाइंस में ज्यादा है। ओके ठीक है जी। स्टाफ सर्विस 4/5, क्योंकि स्टाफ सर्विस काफी अच्छी है। भूटान की जो मनी है उससे ज्यादा होता है। ओके सही है जी, सही है, गुड। ओके ठीक है, ओके जी, वीडियो होती है यही पे खत्म।
जी, तो ये था एक छोटा सा कंपैरिजन नेपाल और भूटान की एयरलाइंस का. लाइक मैं ना डिफरेंट ज़रा एक्सपेक्ट कर रही थी. मैं समझ रही थी कि डेस्टिनेशंस का बताया होगा, मतलब इसके बारे में एक नॉलेज बताया होगा. लेकिन ये भी अच्छा है, मतलब देख के पता चलता है, नॉलेज मिलता है कि क्या कहाँ पे अच्छा है. कुछ में नेपाल बेहतर है और कुछ में भूटान. लेकिन भूटान की सर्विस आई थिंक ज्यादा बेहतर है. तो नेपाल जो क्राफ्ट होते हैं, उनकी जो सील्स होती हैं, वो आई थिंक कंफर्टेबल ही होती है, इतनी कोई अनकंफर्टेबल नहीं होती. तो और फूड वगैरह होती है जो एयरलाइंस की, वो कहते हैं ना, कोशिश होती है कि अच्छी से अच्छी फूड हो और जो कस्टमर है, हमारे जो पैसेंजर्स हैं, वो खुश हो के जाए ना. तो हर किसी की यही कोशिश होती है. सो आई डोंट थिंक कि किसी की फूड बुरी है और किसी की ज्यादा अच्छी है या एक्स्ट्रा अच्छी है. तो खैर हो सकता है वो, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग सब एयरलाइंस अच्छा ही सर्व कर रही होती हैं और सारों की जो है ना अच्छी सर्विस ही होती है. अगर आप इतने पैसे दे के फ्लाई कर रहे होते हैं तो उन्होंने आपको सर्व करना होता है, तभी वो पैसे ले रहे होते हैं और आपने पे करना होता है उन्हें. तो ओवरऑल वीडियो अच्छी है, आई होप कि आपको देख के अच्छा लगा होगा. और इसके अलावा आपकी कोई रिक्वेस्ट है और आप चाहते हैं इस टाइप की और कोई वीडियो देखना, तो आप मुझे बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में. आप मुझे लाजमी फॉलो करें इंस्टाग्राम पे, इंस्टाग्राम का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, सुमन डॉट मुमताज आप जाके सर्च कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे. ठीक है, अब इसी वाइज देखिए.